तकरीबन डेली की 50 से 60 हज़ार रुपया लाख रुपये तक सेल हो जाती है डेली की। हम आपको जो थ्री पीस है मतलब कि एक अच्छा जो आप ब्रांडेड जो मतलब के बाहर से आपको 40-50 हज़ार रुपये का मिलेगा, हम उसे 15 हज़ार रुपये में आपको बना 15 हज़ार में। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अज़ीम चौधरी और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडिया वाला। आज का बिज़नेस आइडिया कुछ इसलिए भी मुनफरद है क्योंकि ये स्किल बेस्ड भी है और चाहें तो उसको ब्रांड बेस्ड भी बना सकते हैं। अगर आप स्किल सीख लेंगे तब भी इससे पैसा कमा सकते हैं, अगर आप इसको ब्रांडिंग की शक्ल देंगे तब भी आप इससे पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं हमारे साथ रहिएगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा। आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने वाले हैं उन्होंने कुछ ही अर्सा के अंदर ये काम सीखा और आज माशाल्लाह इनकी 4 ब्रांचेज़ हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा कमा रहे हैं। हमारे साथ हैं आमिर सत्तार साहब, उनसे बात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आमिर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप कौन सा काम करते हैं? हम पेंट कोट स्टिच करते हैं, मतलब कि हमने ये डिस्प्ले भी रखा हुआ है, कपड़ा भी रखा हुआ है, मेजरमेंट करके तो फिर हम पेंट कोट देते हैं भाई। मतलब कि कोई कस्टमर आ जाता है, पहले उसकी सिलेक्शन होती है, फिर मेजरमेंट होती है, उसके बाद उसकी ट्राइयाँ वगैरह होती हैं, जैसे ही वो फिटिंग जाता है वैसे ही उसे मिल जाता है, मतलब कि उससे आपकी लुकिंग बहुत अच्छी आ जाती है। बेसिकली अगर कोई बात इसमें मतलब आपको फिटिंग पसंद नहीं आती तो इसकी हम दोबारा से फिटिंग कर सकते हैं। ये आपकी बेसिकली जो आता है ना पेंट की लेंथ, कोट की लेंथ, ये बहुत डिपेंड करती है, और आपकी फ़िटिंग ये थाई की, चेस्ट की और ये बैली की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेंट कोट के हमारे रूल्स में, ये होना ज़रूरी है, तो फिर आपकी लुक जो होती है ना वो ज़बरदस्त। शामिर भाई, आपने पेंट कोट का जिक्र किया, आप इसके अलावा मतलब आप क्या क्या बना सकते हैं काइंडली वो भी बताएं। जो हम पेंट कोट सिलाई करते हैं, शर्ट सिलाई करते हैं, वेस्ट कोट सिलाई करते हैं, शेरवानी, शलवार कमीज, ट्राउज़र, हर चीज़ मतलब ये सब कुछ आप सिलाई करते हैं? पेंट कोट, शेरवानी, हर चीज़। ठीक है, प्रिंस कोट वगैरह, प्रिंस कोट, ठीक है, शादी के रिलेटेड से कुछ भी फंक्शनली तौर पर जो भी आप स्टिच करवाना चाहें हमसे हम कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी भी करवा के देते हैं, जैसे ही आप चाहें आप गूगल पर सर्च कर लें, अगर आपको कोई इच्छा पिक मिलती है ले हम वैसे बना के दे देंगे। अच्छा अमर भाई, ये बताइएगा कि आपने 4 ब्रांचेस बना लिए हैं, ये आपने कितने अरसे में काम सीखा और कैसे इस मुकाम तक पहुँचे, हमारे व्यूज़ को बताइए। हमने ये काम लाहौर से शुरू किया था, नारकली से तकरीबन वहाँ पर हमने 4 साल काम किया, उसके बाद हम बेसिकली रहने वाले हैं पीर महल के, वहाँ पर हमने आगे एक शॉप बनाई और एक हुनर बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर बढ़ते गए और हमारा काम भी एक लेवल तक पहुँचता गया स्टेप बाई स्टेप। उसके बाद फिर हमने टोबा टेक्सिंग में एक शॉप बनाई, फिर उसके बाद हमने रजाना में शॉप बनाई, अभी चौथी शॉप ये हमारी मानिए गई। अच्छा आमिर भाई, बताइएगा शुरू में बंदे को थोड़ी सी मुश्किल आती है, आपने स्टार्ट मतलब कैसे लिया और अपनी शोहरत कैसे बनाई? भैया सबसे पहले बात ये होती है कि कोई भी आप बिज़नेस शुरू करते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा टाइम इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद वो आपको फेस करना पड़ता है। पहले 2-3 साल तो आप बिज़नेस को देते हैं, जो भी आप लगाते हैं अपनी पॉकेट से लगा रहे हैं, दो तीन साल के बाद फिर बिज़नेस आपसे कुछ नहीं मांगता, ओनली वन आपको देता है बस। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा ये बताएं कि आप कितने लोगों की टीम है या फिर आप अकेले हैं? नहीं, हमारे पास यूनिट है पूरा, एक शलवार कमीज का यूनिट है जो हमारा गोजरे में है जी जी। और एक हमारा पेंट कोट का, वेस्ट कोट का, शेरवानी का यूनिट है वो पीर महल में। सही। हमारे पास जो शलवार कमीज के बैठे हुए हैं यूनिट वो तकरीबन 10 से 12 लोग हैं, कभी कोई मिस्सी भी हो जाता है तो जो पेंट कोट के हैं वो सीज़न के अंदर हमारे पास 35 बंदे होते हैं जो पेंट कोट स्टिच करते हैं, वेस्ट कोट, शेरवानी। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब आते हैं जो व्यूज़ जिस सोच में होते हैं कि ये बताइए कि आप इस बिज़नेस से कितना जनरेट कर रहे हैं, ज़रा बताइए हमारे लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम ठीक ठाक, मतलब कोई रफ एस्टिमेट देना ज़रा जो देखने वाला उनका जेहन बने अगर वो इस फील्ड में आते हैं सोच के स्किल सीखते हैं। तकरीबन भैयान अगर हमें आप एक ब्रांच का बताएं ना, एक ब्रांच की अगर सीज़न में सर्दियों में सीज़न होता है ना तकरीबन डेली की 50 से 60 हज़ार रुपया लाख रुपये तक सेल हो जाती है डेली की। डेली 50 से 60 हज़ार डेली की। डेली ज़बरदस्त माशाल्लाह। कभी लाख भी हो जाती है लेकिन वो डिपेंड करता है कि मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एक फैमिली पूरी हो जाती है
वो लड़की वाले भी और लड़के वाले भी अच्छा, जब शादी में तो दोनों का मतलब कि च्वाइस के हिसाब से उनका मेजरमेंट करके तो उनका तो तीन तीन चार चार लाख रुपया बिल एक फैमिली का बन जाता है। मतलब कि रिच फैमिली आती हैं, मतलब कि वो हमारे पास आते हैं, उनसे पहले सिलेक्शन करनी होती है। मतलब अमर भाई कहने का आप पूरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं उनसे, यानी बड़े से लेके छोटे तक जो आता है उनकी मैचिंग करके सब कुछ बना के सब कुछ बना के। अच्छा, हमारे व्यूज़ को ये मशवरा दीजिए कि आया कि वो स्किल बेस पे ज़्यादा कमा सकते हैं या फिर वो अपनी ब्रांडिंग करें। वो दोनों में कमा सकते हैं, इसमें स्ट्रगल ज़्यादा है। अगर आप एक चीज़ बनी बनाई लेके आते हैं, ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप थोड़े से पैसे से भी काम शुरू कर सकते हैं, एक शॉप और बढ़ा सकते हैं। इसमें स्टेप बाई स्टेप है। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप आपके पास इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए कि कोई भी कस्टमर आपके पास आए तो वो बोले मुझे ये चीज़ चाहिए और ये साइज़ चाहिए, तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा आमिर भाई, ये बताइएगा कि जैसे हम देखते हैं कि ब्रांड पे जाते हैं, एक पैंट कोड आपको 40-50 हज़ार का मिलता है, जैसे MM आलम रोड बहुत मशहूर है, मैं कहता हूँ टू एक्सपेंसिव चीज़ें नज़र आती हैं, उनकी एड्स नज़र आती हैं, और जब उनसे पूछते हैं तो इतना महंगा बताते हैं। अगर वही पैंट कोड हम आपसे सिलवाना चाहें तो आप कितने में बना के देंगे हमारे व्यूअर्स को? भैया ना, उसमें मतलब कि वहाँ पर जाते हैं ना हम, तो वहाँ पर हमने चीज़ देखनी है, पड़ी उसमें टैग लगा और कोई बात नहीं, कोई बहस नहीं होती, तो आपने वहाँ पे करना और लेके आ जाना है। फिर भी उसमें भी आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देखिए, मतलब कि आपकी चेस्ट पूरी नहीं आ रही, तो बैली पूरी नहीं आ रही, आपको थोड़ी सी लेंथ बढ़ी है, उसमें आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, खुद से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप हमारे पास आते हैं, आप अब मतलब कि हम आपको उससे बहुत कम कीमत में बना के भी देंगे और आपको उसमें हमारे साथ कंप्रोमाइज़ भी करना नहीं पड़ेगा। कितने में बना के देंगे? तकरीबन हम आपको जो थ्री पीस है, मतलब कि एक अच्छा जो आप ब्रांडेड जो मतलब के बाहर से आपको 40-50 हज़ार रुपये का मिलेगा, हम उसे 15 हज़ार रुपये में आपको बना 15 हज़ार में, 15 हज़ार यानी 50 हज़ार वाला आप पैंट कोड सिर्फ 15 हज़ार। और ये भी इस चीज़ की गारंटी देंगे हम, मैं गारंटी दूंगा इस चीज़ की, वो 50 हज़ार वाला साइड पे रख लें और ये हमारा 15 हज़ार इंशाल्लाह उससे अच्छा ही हो, ज़बरदस्त, इससे भी अच्छा हो इंशाल्लाह। जी व्यूज़, आपने देखा कि अमर भाई बता रहे हैं कि आपको ब्रांडेड पैंट कोड जो है इंतहाई सस्ते दाम में मिल सकता है। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, हम इनका नंबर भी चला देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। आप इनको ऑर्डर देने के लिए ऑनलाइन भी रब्ता कर सकते हैं, इनको अपनी मेजरमेंट आप सेंड कर दें, अपनी चॉइस से कपड़ा भेज दें, या इनसे ऑनलाइन रब्ता करके आप इनको अपना कपड़ा दिखा दें, या इनके पास जो अवेलेबल है वो देख लें, तो आपको आपकी मेजरमेंट के मुताबिक आपको चीज़ आपके डोर स्टेप पर मिल जाएगी। जो सेकेंड थिंग कि स्किल बेस्ड भी है, आप इसको सीख सकते हैं और अपने साथ लोगों को मिला के इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप इसे ब्रांडिंग की शक्ल में ले आइए, और मैं कहता हूँ कि जैसे मैं बताया कि MM आलम रोड में टू एक्सपेंसिव आपको 40-50 हज़ार लाख तक भी पैंट कोड मिल रहे हैं, तो आप खुद इनसे स्टिच करवा के उनको ब्रांडिंग दें, उनको ऑनलाइन सेल करें, तो आप इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि विद इन ईयर्स में आप, मैं कहता हूँ आप मिलियनर्स हो सकते हैं। अच्छा आमिर भाई, आपने माशाल्लाह काफ़ी कुछ बताया हमें, काइंडली हमें अपनी शॉप विज़िट करवाएं कि आपने अभी तक क्या क्या बनाया हुआ है, हमारे व्यूज़ को दिखाएं। थैंक यू। ये कोट है, कैजुअल कोट, अब सर्दियों के लिए यूज़ करने के लिए। ये इसके साथ की वेस्ट कोट भी है, मतलब आप कैजुअल यूज़ कर सकते हैं, फंक्शनली भी फंक्शनली तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई है। इसके अलावा फिर हमारे पास बच्चों की आ जाती है, ये देखा, ये देखो बच्चों की वेस्ट कोट्स हैं, इसमें डिज़ाइन वगैरह आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, ये बन जाए जैसा आप बोलें। उसके बाद ये वेस्ट कोट आ जाती है, साइज़ बड़े हैं थोड़े से, उसके बाद ये साइज़ वाइज लगी हुई हैं, जैसा किसी को साइज़ पसंद आए तो हम उसको बना के दे देते हैं। ये शेरवानी भी है, ये फॉर सैम्पल के लिए बना के रखी हुई है, अगर आप चाहें जैसी मर्ज़ी बनाना चाहें बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास शलवार कमीज़ आ जाती है डिज़ाइनिंग वाली, जैसा आप चाहें डिज़ाइन हो सकता है, ये देखें, ठीक है, वहाँ पे भी तो जैसा चाहें आप देख सकते हैं और हम आपको बना देंगे। हाँ जी भैया ने, ये देखें, ये हमने सैंपल बना के रखे हुए हैं ये साइज़ के लिए, और अगर किसी को पसंद आए हम दे भी देते हैं, वो ये मतलब के कोट पहना के उसका साइज़ वगैरह करते हैं। ये सब लगे हुए हैं, सब साइज़ लगे हुए हैं, ये देखें। उसके बाद ये मैरून कलर का लगा हुआ है, ये चेक में लगा हुआ है। उसके बाद भाई ये शोक कलर आ जाता है, उसमें ये बिल्कुल सिंपल आ जाता है, जैसा आप चाहें। यकीन आपको ये आइडिया पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।